देखिए, ये वर्ष जो है ना वो करण पटेल और अंकिता भार्गव के लिए भी बहुत ही खास है। क्या है कि अंकिता और करण की एक फिल्म आ रही है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि बप्पा के आशीर्वाद की इन्हें बहुत जरूरत है। तो विश देम लक, चलिए चलते हैं अंकिता के घर, क्योंकि उनके मम्मी पापा के घर देखिए किस तरह गणेश जी आए हैं और ढेर सारा प्यार लाए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता भार्गव और आप आज मिलने वाले हैं गनू भैया से, जो इस साल हमारे घर आए हैं। और इस साल के गणपति दो कारणों से बहुत बहुत स्पेशल हैं। सबसे पहला कारण है कि इस साल मेहर ने, मेरी बेटी ने, अपने हाथों से एक पॉटर्स क्ले के गणेश जी बनाए हैं, तो हमने उनकी भी स्थापना की है और उनकी भी पूजा की है। और दूसरा रीज़न, ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है जो जिसकी पहली फीचर फिल्म बहुत जल्द आने वाली है। आप सब ने ऑब्वियसली हमारा पोस्टर कैंपेन देखा है इंस्टाग्राम पे, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड आई एम फम्बलिंग बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सबसे इम्पॉर्टेंट धन्यवाद है गणपति बप्पा का, जो हर साल मेरे मम्मी पापा के घर पे आते हैं हमें ब्लेस करने के लिए। और इस साल थोड़ा ज़्यादा स्पेशल ब्लेसिंग्स विद डरन छू राइट हियर, जो हमारी फिल्म है, एक्स्ट्रा स्पेशल ब्लेसिंग्स दे के जाने वाले हैं। हम लोग काफ़ी सालों से अब इको फ्रेंडली गणपति लाते हैं, स्पेशली दिस ईयर वी हैव अ पेपर मैशी गणपति, जो हम घर पे ही विसर्जन करेंगे। एक बड़ा सा कुंड है हमारे पास जो हम अपनी बालकनी में रख दें, वी फिल इट विद वाटर और सही विधि के साथ हम गणेश जी का विसर्जन या उनको बाय बाय कहना अपने घर पे ही करते हैं। भोग तो एक्चुअली मैं आई टेक द कैमरा टूवर्ड्स माई मदर, तो मैंने शुरुआत खीर से की है। अभी हमने मोदक का भोग लगाया है। और कितने प्रकार के आपने लड्डू बनाए? लड्डू मैंने बनाए हैं, चूरमे के लड्डू बनाए हैं, मावा मिश्री के लड्डू बनाए हैं, बेसन के लड्डू बनाए हैं और आगे भी। और ये तो आज के लिए था, बाकी कल देखते हैं और भी बहुत कुछ क्या बनवाते हैं, वो उनकी जो इच्छा होगी। और मैं आपको एक इनसाइड न्यूज़ दूँ कि मम्मी को हमारे पूरे ख़ानदान में, पूरी फैमिली में अन्नपूर्णा कहा जाता है। ऑल्सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं SBS के सारे दर्शकों से बोलना चाहती हूँ, थैंक यू फॉर ऑलवेज बींग देयर विद अस। चाहे वो मेरे टेलीविजन शोज़ हों, मम्मी के, पापा के टीवी शोज़ हों, करण की टीवी शोज़ हों, एज एक्टर्स आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है, कॉन्स्टेंट प्यार दिया है, साथ रहे हैं। और अब जबकि मैं और पापा, आई लाइक टू कॉल हिम हियर प्लीज, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट सिंस पापा और मैं एक अलग पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, एक ज़िंदगी का दूसरा फेज़ शुरू कर रहे हैं और एक छोटी सी कोशिश की है कि अपने तरीके से हम दुनिया में कुछ अच्छाई ला पाएँ। मैं होपिंग कि आप सब हमारा साथ उसमें भी देंगे। और डरन छू देखने 13 अक्टूबर को ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।